आप बच्चे के बचपन का वो समय याद करिए जब आप उसको गोद में लेते थे। मान लीजिए आपकी जेब में पेन है या आपने चश्मा पहना है, बच्चा उसे खींचता है, चश्मा उतारता है, तो आप क्या करते हैं? आप बच्चे को अगर चश्मा वापस लेने की कोशिश करते हैं तो वो रोता है, पेन वापस लेने की कोशिश करते हैं तो रोता है, तो समझदार माँ बाप क्या करते हैं? उसको एक बड़ा बॉल उसके सामने खड़ा कर देते हैं, लेकर के खड़े हो जाते हैं। बच्चा क्या करता है? चश्मे छोड़ देता है, पेन छोड़ता है, बड़ा बॉल खेलने के लिए ले लेता है, न रोता है, आसानी से आप सॉल्यूशन निकाल देते हैं। आप उसका माइंड डाइवर्ट करके उसे ज्यादा पसंद की दूसरी पॉजिटिविटी देकर उसे मोटिवेट करते थे। ये जो काम आपने पहले किया है जब बच्चा बिल्कुल छोटा था, वही काम आप अब भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा एक दीप से जले दूसरा। आपका बच्चा पर प्रकाशित नहीं होना चाहिए, आपका बच्चा स्वयं प्रकाशित होना चाहिए। बच्चों के अंदर जो प्रकाश आप देखना चाहते हैं वो प्रकाश उनके भीतर से प्रकाशमान होना चाहिए, और वो आपके जागरूक सक्रिय प्रयासों से संभव है। आप अपने एक्शंस में जो बदलाव दिखाएंगे वो बच्चे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे।